साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेल में देखते हैं आज। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक सॉफ्टवेयर मेट्रिक है, मेट्रिक को मेजरमेंट में मैंने आपको अंतर बताया था। मेट्रिक का डिग्री ऑफ मेजरमेंट होता है किसी भी एट्रीब्यूट का। तो इसको थॉमस मैकैबे ने डेवलप किया था 1976 में, और सोचिए आज भी उसकी इतनी वैधता है। और उन्होंने इसको बनाया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम या सोर्स कोड या मॉड्यूल या प्रोसीजर की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके लिए उन्होंने बनाया था। ये क्या करता है, डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली मेजर कर लेता है लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ को, जो प्रोग्राम का सोर्स कोड है उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ है उसको ये आराम से कंप्यूट कर लेता है। ये जो फ्लैश किनकैट रीडेबिलिटी टेस्ट है उससे भी थोड़ा मिलता जुलता है ये वाला कंसेप्ट। तो इसमें करते क्या है, हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें नोड्स होंगे, और नोड्स वो होंगे जो इंडिविजिबल ग्रुप ऑफ कमांड्स ऑफ अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के जो कमांड्स हैं जो जिनको दोबारा अनडिवाइड या इनडिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता, उनको हम नोड्स बनाते हैं। और डायरेक्टेड एज वो होते हैं जैसे जो इस तरीके से बनेगा, ये एज तब होता है जब इसके बाद ये काम करता है, इस पर्टिकुलर कमांड के बाद ये कमांड कर देगा तो एज बना देगा। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी केवल सोर्स कोड में नहीं, ये फंक्शन मॉड्यूल मेथड और क्लासेस पे भी लगाए जा सकते हैं। अब बेसिस पाथ टेस्टिंग समझिए, ये बेसिक पास अभी पहले बनाएंगे हम और उसको देखेंगे। एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, इसको हम बेसिस पाथ टेस्टिंग भी कहते हैं, मैकैबे ने ही प्रपोज किया था। ये आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ बनाते हैं, और कितने हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ अभी। और साथ में ये भी बताते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विल बी इक्वल टू द साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, दो एक पंथ दो काज हो गए, मैकैबे से आपको एक तो कितने इंडिपेंडेंट पाथ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ मिल गए, दूसरा आपको ये भी पता चल गया कि कितने टेस्ट केसेस जनरेट होने हैं, इसके खुद ही पता चल गया। ठीक, मतलब टेस्टिंग के लिए कितना आसान हो जाएगा ये। तो ये कंट्रोल ग्राफ है, देखिएगा एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम होगा उसका एक कंट्रोल ग्राफ बनाने की कोशिश की मैंने। रेड से शुरू होगा और ये लूप में जाएगा, ये तीन नोड जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले ये तीन, ये आपके लूप है, और यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा, ये आपका ब्लू नोड है जहाँ पर ये खत्म हो रहा है। जैसे ये लूप से बाहर आएगा, मतलब जब लूप से बाहर आएगा तो आपका एक कंडीशन होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, और उसके बाद ये एक लूप हो गया, दूसरा लूप हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। इसमें एजेस कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस हो गए। नोड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड हो गए। अब p इक्वल टू 1 हो गया, मैं बताऊंगा कि जैसे प्रोग्राम आपका ये एक ही प्रोग्राम है ना, तो p 1 ले लेंगे, एक से ज़्यादा प्रोग्राम टेस्ट कर रहे होंगे एक साथ तो p को उस तरीके से बढ़ा देंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इसकी, 3। अभी कैसे आएगी, अभी फॉर्मूला आगे आने वाला, लेकिन मैं यही बता देता हूँ, ई माइनस एन प्लस पी, बस यही करना है आपको। 9 रखिए, 9 माइनस 8 प्लस 1, देख लीजिए अब क्या आएगा, इस तरीके से। यहां पर एक मिनट, ये 9 माइनस 8 प्लस 3 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अब ये आपको जानना जरूरी है कि 3 क्यों आ रही है, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये 2p होता है, लेकिन इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा आपसे कि ये 2p को p क्यों हम करते हैं। ठीक, तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमने e माइनस एन प्लस 2p से निकाला है, बट इस पर डिस्कशन करता हूँ। पहले आप ये समझिए कि जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है ये आराम से आपको लीनियर पाथ बताती है, और जैसे सोर्स कोड आपका इसमें कोई डिसीजन नहीं है तो आपको तो कुछ आराम से कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बना जाएगी, अगर इफ फॉर है ही नहीं तो आराम से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बना जाएगी। अगर आपके पास इफ स्टेटमेंट है तो आप क्या हो सकता है कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तब एक आपको पाथ मिलेगा, इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो एक पाथ मिलेगा, दो पाथ मिल जाएंगे आप। इस तरीके से आपको ये ग्राफ बनाना है। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी स्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए ये डायरेक्टेड
पाथ अगर इसके बनाए जाए तो वो बेसिक ब्लॉक्स जो प्रोग्राम के कौन से बेसिक ब्लॉक होते हैं, इफ एल्स अंटिल आपके स्विच, ये सब तो होते हैं। तो ये आपका क्या करता है कि बेसिकली इफ कंट्रोल में पास फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड। तो एजेस जैसे मैंने आपको बताया तभी बन सकते हैं जब आपका कंट्रोल यहाँ से आए, एजेस तभी बन सकते हैं। देखिए ये एक बना दिया है, ये एक बना दिया, ये तो अभी आपने देखा। एक हमने बैग भी ले लिया, ठीक, एक बैग भी ले लिया। ये किससे लेते हैं फ्रॉम एंड टू फर्स्ट, इसका बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। पहले आप समझिए कि कॉम्प्लेक्सिटी हम बनाते हैं ई माइनस एन प्लस टू पी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पिछला जो सोल्यूशन लिया था वो ई माइनस एन प्लस टू पी से। अब मैं आपको फॉर्मली बताता हूँ, एम क्या है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ई है एजेस, एन है आपके नोड्स, और ये है आपके टू पी नंबर ऑफ कनेक्टेड पाथ्स, नंबर ऑफ कनेक्टेड पाथ्स। देखिए आपका नंबर ऑफ कनेक्टेड, सॉरी कनेक्टेड कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये पी है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ, ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पी है ये नंबर ऑफ प्रोग्राम्स क्यों बन जाते हैं, ठीक। अब इसको बस ध्यान रखिएगा। अब देखिए द सेम फंक्शन एज अबव जो हमने देखा, शोज अ स्ट्रांगली कनेक्टेड कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, इसमें 10 एज है, 9 आपके नोड्स है, पी वन है, तो 10 माइनस 8 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 आ गया। अब इसका एक कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन हो सकता है, इज टू यूज अ ग्राफ इन विच एग्जिट पॉइंट इज कनेक्टेड बैक टू द एंट्री पॉइंट। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन है जिसमें किया क्या गया कि जो एग्जिट है उसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। अभी अब आपको समझा रहा हुआ कि वो टू पी से पी कैसे होने वाला है। तो इस केस में ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड बोला जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं था पिछले वाले में, जब तक हम ये नहीं जोड़ेंगे, तो इट इज़ नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो जब मैं जोड़ दिया तो साइक्लो कॉम्प्लेक्सिटी आपके आपकी जो साइक्लोमेटिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, ई माइनस एन प्लस पी। अब आपको समझ में आ गया होगा टू पी पी, तो ये हमने जो निकाला यहाँ पर जो तीन निकाला ना, देखिए ई माइनस एन प्लस ई माइनस एन वन, ये एन माइनस एट कितना हो गया, वन हो गया, और ये कितना आया टू पी, इससे आ गया। अगर आप इससे निकालेंगे तो भी तीन आएगा, देखिए ई माइनस एन प्लस टू पी, ठीक। यहाँ पर आपका जब आपको स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है, और जो स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है तब कैसे यूज़ करना है, तो ये आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन चेंज होगा। लेकिन अब मैं फाइनली डिक्लेयर कर रहा हूँ ये सब बताने के बाद, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको केवल ये यूज़ करना है ई माइनस एन प्लस पी, टू पी को भूल जाइए। तो इस तरीके से हम लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ बना सकते हैं, साइकिल्स बना सकते हैं। साइकिल्स ही होती है, ये साइकिल्स होती है, लेकिन ये जो एरिया ना, ये वाला पूरा एरिया, क्योंकि उसने साइकिल बना दिया है, तो साइकिल इस तरीके से कहते हैं। आप बैग से लेकर एंट्री तक आप जब जा रहे हैं तो कम से कम एक आपको साइकिल मिल जाएगी। अगर सिंगल प्रोग्राम है तो पी आपका वन होगा, मैं यही बता रहा था, प्रोग्राम दो होंगे तो आपके ये दो हो जाएगा। साइक्लोमेटिक आप एक साथ प्रोग्राम या सब प्रोग्राम में भी लगा सकते हैं, बस आपका ये पी जो है वो बढ़ जाएगा फिर। अच्छा, अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, इट कैन बी शोन दैट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताया जा सकता है इफ ऑफ एनी स्ट्रक्चर प्रोग्राम विद ओनली वन एंट्रेंस पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट। अगर एक एंट्रेंस और एक एग्जिट पॉइंट है तो केवल जो नंबर ऑफ डिसीजन पॉइंट्स है ना, वो बस नंबर ऑफ डिसीजन पॉइंट्स ले लीजिए, जैसे इफ है, इफ स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, प्लस वन कर दीजिए उसको। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और एक्सटेंड अगर आप कर दें, मल्टीपल एग्जिट इसके हो जाएंगे, तो ये पाई माइनस एस प्लस टू हो जाएगा। पाई क्या है इसमें, डिसीजन पॉइंट्स है प्रोग्राम के, और एस है नंबर ऑफ एग्जिट पॉइंट्स। तो अगर एक एग्जिट है, एक एंट्री है, एक से एग्जिट है, तब तो ये चलेगा। एक एग्जिट है से ज़्यादा एग्जिट है और एक से ज़्यादा एंट्री और एग्जिट है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक। नाम देखिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये काम वही करता है। कन्फ्यूजिंग हो सकता है, देखिए इट इज़ कन्फ्यूजिंग, लेकिन मैट्रिक्स केवल जो दिस एज दिस मैट्रिक्स डज नॉट ओनली काउंट द साइकिल इन द प्रोग्राम, केवल ये आपका साइकिल्स काउंट नहीं करती, बाकी और भी चीज़ काउंट करती है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसमें जो साइकिल आ रहे हैं, अगर आप इसमें ब्रांच बैक वाला जो एग्जिट टू एंट्री कर रहे हैं, तो आपकी साइकिल्स बढ़ेगी, जैसे मैंने आपको साइकिल दिखाया अभी,
अब इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए। एप्लीकेशंस है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी को लिमिट कर सक करने के लिए बता सकता है आपको ये नंबर, और जो एप्लीकेशंस होंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे ये बताएगा आपको, कोहेजन बताएगा, कोरिलेशन जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है उससे कोरिलेशन बताएगा आपको किस तरीके से देखिए। सबसे पहले लिमिटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सबसे पहला जो मैकेबी का काम है वह है लिमिट करना कॉम्प्लेक्सिटी को, क्योंकि मैकेबी ने इसको बनाया है इसलिए था कि वो लिमिट करना चाहता था अपना अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोग्राम की। तो अब क्या करेंगे कि हम जब ये निकालेंगे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, और उन्होंने कहा कि देखिए 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मैकेबी साहब ने कहा था, कई अपने लिटरेचर में देख लेंगे कि 10 से ऊपर नहीं जाना है, ये मैकेबी का। लेकिन चूंकि आज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर चेंज हो चुके हैं, कई चीज़ें नहीं आ चुकी है, 1976 में उन्होंने बताया था, तो आज ये थोड़ा सा बोला गया कि देखिए 15 तक आ जाए तो कोई बात नहीं, 15 तक चलेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एग्रीड अपॉन लिमिट भी हैं, कुछ जो पार्टीज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं वो एग्रीड अपॉन लिमिट पर भी चलते हैं, वो अपने अपनी लिमिट उनकी होती है कि इससे ऊपर नहीं जाना है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखिएगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस बता देती है, टेस्ट कवरेज वगैरह हो रहे हैं ना जो वो करती है, उससे आपको ये एन नंबर से ही पता चल जाएगा कि कितनी इसकी आपके टेस्ट केसेस कितने जनरेट करना है। देखिए जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, जो ब्रांच कवरेज साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे आप देखिए दो आपके ये एक है ये दो है, दो डिसीजन वाले आपको मिल रहे हैं, दो इफ एंड एल्स है, यानी कि एक इफ ये दूसरा इफ, तो ये ट्रू होगा तब ये आएगा नहीं तो ये आएगा, ये ट्रू होगा तो ये आएगा नहीं तो ये आएगा, ठीक। तो इसमें द कंट्रोल फ्लो ग्राफ ऑफ द सोर्स कोड अबाउ रेड और ब्लू तो समझ गए, एग्जिट जो है वो हमने एंड ये कनेक्ट कर दी, तभी आपको समझ आया होगा कि ई माइनस एन प्लस पी तब कब था, ई माइनस एन प्लस टू पी क्यों था। अब दो केसेस सफिशियंट है इसमें पूरा कंप्लीट ब्रांच कवरेज के, जबकि चार केसेस, चार आपके नेसेसरी हैं कंप्लीट पाथ कवरेज के। अगर ब्रांच कवरेज करनी है तो दो टेस्ट केसेस चाहिए, लेकिन अगर आपको पूरा पाथ कवरेज करना है तो चार केसेस चाहिए, ठीक। तो इस साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की तीन है, अगर आप जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड वाली बात लेंगे, क्योंकि 9 एजेस है, 7 ये है इसमें और एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो 9 माइनस 7 प्लस 1 3 हो गया। तो इन जनरल इन ऑर्डर टू फुली टेस्ट अ मॉड्यूल ऑल एग्जीक्यूशन पाथ थ्रू द मॉड्यूल शुड बी एक्सरसाइज, अगर आपको टेस्टिंग में जाना है तो सारे के सारे आपको जो पाथ्स है उसको एक्सरसाइज करना है। दिस इंप्लाइज अ मॉड्यूल विद अ हाई कॉम्प्लेक्सिटी नंबर रिक्वायर्स मोर टेस्टिंग एफर्ट देन अ मॉड्यूल विद अ लोअर वैल्यू, सिंस द हायर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर इंडिकेट्स मोर पाथवेज टू द कोड। बस इससे सीधे ये बता देता है कि जितनी जितना आपको ज़्यादा टेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होगा तो ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जितना कम आपका कॉम्प्लेक्स उतना कम टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपके पाथवे जितने आपको कवर करने हैं, ब्रांच कितनी कवर करनी है और आपके पाथ कितने करने हैं। तो आप चलिए इस एग्जाम्पल को बताता हूँ, ये एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। जिस टाइम इस टाइम एन एडिशनल इफ एल्स इज एडेड द नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ डबल्स, देखिए किस तरीके से, ये देखिए एज द प्रोग्राम जब जैसे हम एक एक करके बढ़ाएंगे आपकी टेस्टिंग की पाथ बढ़ जाएगी इसमें, ठीक। समझिएगा जो हमने फंक्शन अभी लिया था आपको याद होगा F1 F2 वाला जो लिया था, तो उस एग्जांपल में रिक्वायर्स मोर देन सिंपली ब्रांच कवरेज टू टेस्ट एक्यूरेटली, उस फंक्शन को हम दोबारा देखते हैं। अब हम इसमें बट अज्यूम दैट टू अवॉइड अ बग अकरिंग एनी कोड दैट कॉल्स F1 और F3 मस्ट ऑल्सो कॉल द अदर, ठीक। अगर हम इसमें अज्यूम करते हैं, अज्यूम दैट द रिजल्ट C1 एंड C2 आर इंडिपेंडेंट, दैट मींस दैट द फंक्शन इज प्रेजेंटेड अबव कंटेन्स अ बग। तो अब ये जो मैंने आपको चीज बताई उसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। ब्रांच कवरेज में अलाउ अस टू टेस्ट दैट मेथड विद जस्ट टू टेस्ट, एक अगर मतलब जो ब्रांच कवरेज करेंगे उसमें क्या होगा, केवल अगर C1 रिटर्न ट्रू कर रहा है और C2 रिटर्न ट्रू कर रहा है, या C1 रिटर्न फॉल्स कर रहा है या C2 रिटर्न फॉल्स कर रहा है। देखिए फिर समझिएगा, अगर C1 ये ट्रू करेगा तो F1, फॉल्स करेगा तो F2, अगर C2 ट्रू करेगा तो ये, फॉल्स करेगा तो ये, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो ब्रांच कवरेजिंग होगी।
देखिए इसमें एक आ गया है, तो या ब्रांच कवरेज जब करेंगे C1 returns true, C2 returns true, C1 returns false, C1 returns false. इसमें बग्स तो कहीं निकल के नहीं आ गए, कोई प्रॉब्लम अगर होगी इसमें तो निकल के नहीं आए. लेकिन साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी यूज करेंगे तो नंबर क्या बता रहा है, 3 हो जाएगा, ब्रांच कवरेज बढ़ जाएगी इसमें. तो हम इसको भी टेस्ट करेंगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी अनुसार, हमको C1 return true है तो C2 false है, और C1 false है तो C2 true है, मतलब ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू का भी कॉम्बिनेशन ले लिया. अब इसकी ये जो केसेस है ये आपको बग निकाल के देंगे. ठीक, ये इसमें बताने की कोशिश किया मैंने. कोहेजन समझिएगा, ये हमेशा ध्यान में रखते हैं हम, ये ध्यान में आता है कि अगर मॉड्यूल का कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा कोहेजन कम होगा, थोड़ा सा कोहेजन कम होगा, और जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम है उसमें कोहेजन ज्यादा होगा. कोहेजन मतलब आपस में जो रिलेशनशिप है. तो जो रिलेशनशिप है कॉम्प्लेक्सिटी और कोहेजन की, ये आपके किसी भी फंक्शन को ऑन अ मॉड्यूल विथ मोर डिसीजन पॉइंट्स जनरली इम्प्लीमेंटिंग मोर देन अ सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन. जिस तरीके से ये आपके अच्छे वेल डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्सिटी और कोहेजन, क्योंकि आप हायर कॉम्प्लेक्सिटी जाएंगे या लोअर कॉम्प्लेक्सिटी, आपको तो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी रखना है. मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी तो निकाल रहे हैं मुकाबले से, है ना. तो उस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी पे कोहेजन भी डिपेंड करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी निकालते ही आपको कोहेजन के बारे में पता चल जाएगा. और कोरिलेशन टू नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ये भी एक काम है मुकाबले का, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का. तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी का नंबर ऑफ डिफेक्ट्स किस तरीके से करेंगे, अब इसमें बहुत सारे लिटरेचर में बहुत इसमें रिसर्च की गई. तो इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का और डिफेक्ट का. इसका मतलब हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो डिफेक्ट ज़्यादा होंगे इसमें. ठीक, अगर हाई कॉम्प्लेक्सिटी है तो डिफेक्ट ज़्यादा होगी. इस तरीके से कुछ स्टडी है, एक स्टडी का मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ कि एक बनाया गया एक प्रोग्राम और उसमें फॉल्टीनेस देखी गई. तो एक क्लासेस विद अ कंबाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 11, अगर 11 की कॉम्प्लेक्सिटी है तो फॉल्ट जो है उसका 0.28 है, और अगर आपका वही कॉम्प्लेक्सिटी 74 हो गई तो देखिए जो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट ये बग 0.98 बढ़ गया. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये भी बताती है कि भाई बग्स कितने होंगे. तो ये मैंने आइडिया देने की कोशिश की आपको कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और किस तरीके से निकाली जाती है, वो किस किस चीज़ को इफेक्ट करती है, कोहेजन हो चाहे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो चाहे आपका ये बग्स हो. धन्यवाद.